हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज इस वीडियो सेशन में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एनालिसिस ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2020, जो अभी रिसेंटली 18 अक्टूबर संडे को कंडक्ट कराया गया था और मैंने भी एग्ज़ाम लिखा हुआ है। उसी का एनालिसिस मैं कुछ आपको बताऊँगी, शेयर करूँगी, और आपको क्या लेसन्स सीख सकते हैं उससे वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो देखिए, ये रहा हमारा पेपर वन एंड ये हमारा है पेपर टू। तो देखिए, दो पेपर होता है मेंस का, एक ही दिन पेपर होता है हमारा, संडे को मोस्टली एग्ज़ाम लिया जाता है और उसमें दो सेशन होता है। तो पेपर वन जो फ्रेंड्स होता है वो होता है 9 से लेकर के 12 बजे तक आपका एक सेशन होता है जिसमें पेपर वन कंडक्ट कराया जाता है, और सेकंड सेशन होता है आफ्टरनून में 2 से 5 बजे तक दूसरा पेपर कंडक्ट कराया जाता है जिसे हम पेपर टू बोलते हैं। तो काफ़ी लेंथी पेपर आया हुआ था फ्रेंड्स, और देखिए ये हमारा पेपर वन है जिसको मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपको अगर आप देने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर में तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स का। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 3 घंटे का पेपर होता है और 300 मार्क्स का होता है। जैसा कि हम एसएससी में देखते हैं तो वहाँ 300 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है और एक ही पेपर होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंथी और 300 मार्क्स का 3 घंटे मिलते हैं। जो कि अगर हम इस बार का पेपर देखेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए जो हमारा पेपर वन होता है या पेपर टू, दोनों ही उसमें हमारे 8 क्वेश्चंस आते हैं जिसको 2 सेशन में डिवाइड किया जाता है। तो जिसमें फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन आपको कंपलसरी होता है, जैसे कि आप इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे जब तब आप देखेंगे। तो कई स्टूडेंट्स ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं रीड करते हैं, तो उसको इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से रीड करिए। देखिए, ये फर्स्ट पेज जो है आपका इंस्ट्रक्शन का दिया रहता है, पूरा टोटल इसमें आपको दिया रहता है क्या क्या चीज़ आपको करनी है, ध्यान में रखना है, और कौन कौन से क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ पर दिया है, ये सब आपको इंस्ट्रक्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, आपको टोटल जो है वो 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं जिसमें कि फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी होता है, एंड रिमेनिंग आप उससे सेलेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच सेक्शन आपको सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए, कैलकुलेटर इसमें अलाउड रहता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, अलाउड किया जाता है इसमें। इस बार का अगर पेपर देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए पेपर वन जो था उसमें हम लोग 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एक बार मैं आपको सब्जेक्ट्स बता दूँ तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, नेटवर्क थ्योरी पढ़ते हैं, EMF पढ़ते हैं जो हम साथ में बोलते हैं सर्किट्स एंड फील्ड, उसके बाद हम पढ़ते हैं मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मटेरियल साइंस, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो ये कुछ 6 सब्जेक्ट हैं जो आपको पेपर वन में पूछा जाएगा। तो देखिए, यहाँ इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों ही था, लेकिन न्यूमेरिकल थोड़ा ज़्यादा आया हुआ था, तो पेपर थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन ठीक था पेपर। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो पेपर अच्छा था, सिर्फ आपको प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन को वहाँ सॉल्व कर पाएंगे। और ख़ास कर देखिए, मैथमेटिक्स ऐड कर दिया गया है, पहले मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता था इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो उसे थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, और स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है तो कुछ ना कुछ आपको मार्क्स ज़रूर मिलते हैं। तो देखिए, इसमें आपका नेटवर्क, मैथमेटिक्स, कुछ मटेरियल साइंस के हम लोगों को थ्योरी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल नहीं आए हुए हैं मटेरियल साइंस से, लेकिन EMF का क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल आता है, यानी कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जल्दी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्लस जब आप देखेंगे, आप इस बार बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। थ्योरी क्वेश्चन नहीं आया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इन द सेंस जो आप BJT पढ़ते हैं एंड ट्रांजिस्टर, उसके बाद MOSFET, JFET, इसी से ही क्वेश्चन आया हुआ है। और अपना कंप्यूटर फंडामेंटल से भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रेंड्स, तो हम इलेक्ट्रिकल वाले सोचते हैं कि इसे इग्नोर करें, तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाएँ। अगर आपसे कुछ थ्योरी क्वेश्चन पूछता है तो एटलीस्ट आप थ्योरी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। तो देखिए, ये पेपर वन है जो जिसमें कि थ्योरी आया हुआ है काफ़ी कंप्यूटर फंडामेंटल से, एटलीस्ट जो सिंपल टॉपिक होता है जैसे OSI लेयर आप पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ थ्योरी क्वेश्चन होता है RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, तो ये ज़रूर पढ़ के जाएँ आप, क्योंकि पार्ट्स में आपको सॉल्व करना होता है पेपर। तो यही है कि ओवरऑल पेपर तो ठीक ठाक था, कुछ डेरिवेशन पूछता है और डेरिवेशन प्रैक्टिस चाहिए उसमें, तो डेरिवेशन आप प्रैक्टिस कर कर के देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं, और अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो SSC JEE मेंस के लिए भी आपको काम आ सकता है। तो देखिए,
प्रैक्टिस करना तो ज़्यादा ज़रूरी था पेपर वन में. पेपर टू में मोस्टली न्यूमेरिकल आया था फ्रेंड्स, मतलब देखा जाए तो थ्योरी क्वेश्चन बहुत ही कम आया था, सिंपल सिंपल चार या पांच नंबर, चार चार मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया था. लेकिन अगर हम ओवरऑल पेपर देखें तो पेपर टू थोड़ा सा मुश्किल था, काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा और उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आया है आपको, थोड़ा सा डिज़ाइन बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है. जैसे कंट्रोल सिस्टम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अभी इसमें डिज़ाइन करने हुए बोला है तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. पावर सिस्टम का भी देखिए न्यूमेरिकल ही आया था, मोस्टली ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल आया हुआ है क्वेश्चन. तो न्यूमेरिकल पे आपके थोड़ी सी पकड़ अच्छी होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. और ओवरऑल देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको न्यूमेरिकल है तो थ्योरी बहुत कम देखने को मिला आपको पेपर टू में. कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है कि आप जस्ट फॉर्मूला लगाए और आपसे क्वेश्चन बन जाएगा. काफ़ी ज़्यादा आप देखिएगा ज़रूर, पेपर डाउनलोड कर सकते हैं आप. ये है एक डिटैचेबल पेपर होता है, यानी कि आपको वहाँ पर इतनी मोटी बुकलेट मिलती है जिसे हम QCA बोलते हैं, क्वेश्चन कम बुकलेट आंसर बुकलेट. तो उसी में क्वेश्चन दिया रहता है, उसके नीचे आपको स्पेस दिया रहेगा, उसमें आपको आंसर लिखना होता है और उसके बाद लास्ट में ये पेपर दिया रहता है जिससे ये डिटैचेबल होता है. ये आप घर ले जा सकते हैं पेपर को, ये क्वेश्चन पेपर होता है और आंसर शीट वहाँ ले लिया जाता है. तो देखिए ओवरऑल पेपर वन पेपर टू ठीक ठाक था. थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेटर की अच्छे खासा यूज़ आपको आना चाहिए और इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि वहाँ पर दिया रहता है कि एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेशन आपको करना है अटैम्प्ट. और देखिए न्यूमेरिकल तो अच्छा खासा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, प्लस आप डेरिवेशन ज़रूर देख के जाइए अगर आप पढ़ रहे हैं तो. अदरवाइज पेपर ठीक ठाक था, यही एनालिसिस था मैंने दिया हुआ है पेपर. तो देखिए ठीक ठाक अच्छा खासा पेपर गया हुआ है, देखते हैं क्या होता है. तो मिलते हैं हमारे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में.